रायबरेली में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा और संघ परिवार द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की आजादी के लिए कुर्बान हुए वीर शहीद सपूतों को याद किया गया तथा भावी पीढ़ी को आजादी अक्षुण्य बनाए रखने के लिए संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर स्वदेश सरस्वती विद्या मंदिर महाराजगंज से एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें 75 फुट लंबे तिरंगे झंडे की अगुवाई में हजारों की तादाद में लोगों ने महाराजगंज की मुख्य सड़कों पर भारत माता की जयघोष के साथ साथ आजादी बनाए रखने के लिए कोई भी कुर्बानी देने का नारा लगाया गया। आपको बता दें कि सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में सबसे पहले भारत माता के विशाल चित्र पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसएस के जिला संचालक जागेश्वर द्विवेदी की अगुवाई में संघ और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भारत माता की पूजा अर्चना की। इसके उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जागेश्वर द्विवेदी ने कहा कि विश्व में भारत भूमि को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई से लेकर वीर तात्या टोपे, मंगल पांडे, महाराजा राणा प्रताप सिंह, वीर शिवाजी, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का स्वर्णिम काल भारत माँ की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। तब जाकर 1947 में देश को पूरी तरह से गुलामी से मुक्ति मिली। उन्होंने कहा कि हमें सभी शहीदों, वीर सपूतों, स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को संजो कर रखना है और भविष्य में भारत के ऊपर कोई भी ऐसी ताकत को दृष्टि न डालने पावे इसके लिए सचेत रहना है तथा देश की आजादी को हमेशा बनाए रखना है। कार्यक्रम में संघ के विभाग प्रचारक अमरजीत, संघ के वरिष्ठ नेता देवेंद्र बहादुर सिंह, जिला सेवा प्रमुख रमेश अवस्थी, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुधा अवस्थी, खंड संचालक रंजीत सिंह जगमोहन, पूर्व मंडल अध्यक्ष सरदार फतेह सिंह, अवधेश मिश्रा, दुर्गा वाहिनी की पदाधिकारी नेहा मिश्रा, भाजपा नेत्री वंदना सिंह आदि ने भी संबोधित किया। अमृत महोत्सव समिति के संयोजक राम प्रताप सिंह ने सभी का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम में सम्मिलित सभी आगंतुकों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया। इसके पश्चात एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसकी अगुवाई के लिए छात्रा को आजादी की महानायिका वीरांगना लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में सजाकर घोड़े पर बैठाया गया। साथ ही 75 फीट का लंबा तिरंगा जुलूस, जिसे छात्र और छात्राएं थामे हुए थे, को आगे रखकर जुलूस निकाला गया। सरस्वती विद्या मंदिर से निकाला गया जुलूस कस्बे के मुख्य चौराहे होते हुए बछरावा रोड स्थित ब्लॉक सभागार पहुंचा, जहां सभी लोगों ने आजादी को अक्षुण्य बनाए रखने का संकल्प लिया। इसके उपरांत कार्यक्रम का समापन हो गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शारदा शरण पांडेय, सभासद विजय धीमान, सभासद प्रतिनिधि विनीत वैश्य, राकेश मिश्रा, मनु पांडेय, विवेक पांडेय, सोनी साहू, मनोज कुमार नौवा, विनोद त्यागी, राम अभिलाख लोधी सहित हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। आप भी आपसे कहेंगे किस प्रकार का कार्यक्रम हमारे उसमें